सो हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, दिस इज़ माई फर्स्ट क्यू एन ए वीडियो एंड इसमें मैं मेरे कमेंट्स में कुछ क्वेश्चन आए थे रिगार्डिंग नीट, तो उसे आंसर करूँगी. सो लेट्स बिगिन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम एंद्री एंड उसने पूछा है कि आपका सिलेबस एग्जाम के कितने मंथ पहले कम्प्लीट हुआ था और कितने फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे, प्लीज़ बताइएगा. तो मेरा सिलेबस एग्ज़ाम के 2 महीने पहले तक ख़त्म हो गया था पूरा, लेकिन रिवीजन मैंने तब तक नहीं किया था क्योंकि मैं अपने कोचिंग के साथ चलती थी और मेरे कोचिंग में मई 15 पे पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया था और हमारा एग्ज़ाम जुलाई में था. तो अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स पहले तक मेरा कोर्स ख़त्म हो गया था पूरा. और मैंने कितने फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे, तो आई थिंक मैंने अप्रॉक्सीमेटली 30-40 फुल सिलेबस टेस्ट. सो गौरी तिवारी हैज़ आस्क्ड हाउ मच यू यूज्ड टू स्कोर इन योर मॉक्स. तो मैंने जब मॉक टेस्ट दिए थे तो इनिशियली मेरे मार्क्स 602-603 ऐसे रहते थे, फिर धीरे धीरे इट इंक्रीज 613-14 और फिर 632 तो मेरा एवरेज मतलब था सारे मॉक्स का. फिर लास्ट में जो मैंने लास्ट मॉक टेस्ट दिया था, इन दैट आई स्कोर 700. तो ये मेरे मार्क्स थे. देन खुशी हैज आस्क्ड व्हेन डिड यू स्टार्ट योर रिविजन, लाइक हाउ मेनी मंथ्स बिफोर नीट एंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी रिविजन्स यू डिड. सो एज आई आंसर बिफोर, मैंने 2 मंथ्स पहले रिविजन स्टार्ट किया था नीट के. और अप्रॉक्सीमेटली मैंने कितने रिविजन्स किए थे, तो इनिशियली मेरे मतलब 3-4 मैंने अच्छे से रिविजन किए थे, जैसे पूरे ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करके और एक एक पॉइंट रिवाइज करके. बट जब नीट के लिए 1 मंथ के अप्रॉक्स बचा था, तब मैंने रैपिड रिविजन स्टार्ट किए थे बाई यूजिंग माई शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट्स एंड एनसीईआरटी मैप्स और बाकी सब. मतलब तब मैं केवल बायो के लिए पूरा अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ती थी एंड फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो मैंने 2-3 बार अच्छे से रिविजन किया था पूरी बुक. बायो में तो मैंने आई थिंक 20-25 times पूरी बुक पढ़ी थी एंड केमिस्ट्री में 3-4 times मैंने पूरा रिवाइज किया था अच्छे से रीड करके. फिजिक्स में 1 time, बट फिजिक्स की उतनी नीड होती नहीं है. देन खुशी हैज आस्क्ड अनदर क्वेश्चन, व्हाट वाज योर फर्स्ट फुल सिलेबस मॉक स्कोर. तो फर्स्ट मेरे फुल सिलेबस मॉक स्कोर वॉज आई थिंक 602 के आसपास थे एंड इज रिवाइजिंग 7 times सफिशियंट फॉर इट फ्रॉम 5th March. सो 7 times तो आप बायो के लिए सफिशियंट नहीं है. बायो के लिए तो यू हैव टू रिवाइज एनसीईआरटी एटलीस्ट 15 times. मतलब उतना आप रिवाइज करेंगे तभी आपको रिटेन हो पाएगा पूरी एनसीईआरटी बायोलॉजी अच्छे से और विथ अप्रॉक्सीमेटली 200 questions per day. सो 200 questions per day आई एम गेसिंग कि आप उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मतलब जूलॉजी और बॉटनी मिला के 550 questions each आप कह रही हैं. तो येस, इट इज़ वेरी गुड कि अगर आप 200 questions each day कर पा रही हैं. एंड सो येस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड होप यू लाइक इट. एंड अगर आपको भी कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कॉमेंट इट बिलो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. प्लीज़ रेफर दीज वीडियोज़ इफ़ यू फाउंड इट यूजफुल टू योर फ्रेंड्स टू एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. सो हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, दिस इज़ माई फर्स्ट क्यू एन ए वीडियो एंड इसमें मैं मेरे कमेंट्स में कुछ क्वेश्चन आए थे रिगार्डिंग नीट, तो उसे आंसर करूँगी. सो लेट्स बिगिन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम एंद्री एंड उसने पूछा है कि आपका सिलेबस एग्जाम के कितने मंथ पहले कम्प्लीट हुआ था और कितने फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे, प्लीज़ बताइएगा. तो मेरा सिलेबस एग्ज़ाम के 2 महीने पहले तक ख़त्म हो गया था पूरा, लेकिन रिवीजन मैंने तब तक नहीं किया था क्योंकि मैं अपने कोचिंग के साथ चलती थी और मेरे कोचिंग में मई 15 पे पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया था और हमारा एग्ज़ाम जुलाई में था. तो अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स पहले तक मेरा कोर्स ख़त्म हो गया था पूरा. और मैंने कितने फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे, तो आई थिंक मैंने अप्रॉक्सीमेटली 30-40 फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे. सो गौरी तिवारी हैज़ आस्क्ड हाउ मच यू यूज्ड टू स्कोर इन योर मॉक्स. तो मैंने जब मॉक टेस्ट दिए थे तो इनिशियली मेरे मार्क्स 602-603 ऐसे रहते थे, फिर धीरे धीरे इट इंक्रीज 613-14 और फिर 632 तो मेरा एवरेज मतलब था सारे मॉक्स का. फिर लास्ट में जो मैंने लास्ट मॉक टेस्ट दिया था, इन दैट आई स्कोर 700. तो ये मेरे मार्क्स थे. देन खुशी हैज आस्क्ड व्हेन डिड यू स्टार्ट योर रिविजन, लाइक हाउ मेनी मंथ्स बिफोर नीट एंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी रिविजन्स यू डिड. सो एज आई आंसर बिफोर, मैंने 2 मंथ्स पहले रिविजन स्टार्ट किया था नीट के. और अप्रॉक्सीमेटली मैंने कितने रिविजन्स किए थे, तो इनिशियली मेरे मतलब 3-4 मैंने अच्छे से रिविजन किए थे, जैसे पूरे ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करके और एक एक पॉइंट रिवाइज करके. बट जब नीट के लिए 1 मंथ के अप्रॉक्स बचा था, तब मैंने रैपिड रिविजन स्टार्ट किए थे बाई यूजिंग माई शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट्स
एंड एनसीईआरटी मैप्स और बाकी सब, मतलब तब मैं केवल बायो के लिए पूरा अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ती थी एंड फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो मैंने 2-3 बार अच्छे से रिविजन किया था पूरी बुक। बायो में तो मैंने आई थिंक 20-25 times पूरी बुक पढ़ी थी एंड केमिस्ट्री में 3-4 times मैंने पूरा रिवाइज किया था अच्छे से रीड करके। फिजिक्स में 1 time, बट फिजिक्स की उतनी नीड होती